गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट्स, हम आज आप लोगों को फ्यूज के बारे में बताएंगे। फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, फ्यूज जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सप्लाई के आधार पे एसी फ्यूज पहला होता है, दूसरा होता है डीसी फ्यूज। देखिए, एसी फ्यूज जो होता है ये साइज में स्मॉल होता है एज कंपेयर टू डीसी फ्यूज, क्योंकि डीसी में जब फ्यूज ऑपरेट होता है, मतलब वो सर्किट को ओपन करता है, उस समय इसमें आर्किंग जो होती है, उस आर्किंग को बुझाने के लिए ज़्यादा लेंथ की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये लार्ज साइज़ का बनाया जाता है और ये स्मॉल साइज़ का बनाया जाता है। इसमें आर्किंग टाइम प्रत्येक हाफ साइकिल में प्राप्त हो जाती है, यहाँ पे हम आर्क को बुझा सकते हैं, ठीक है। और फ्यूज को जो होते हैं उनको हम वोल्टेज के आधार पे भी कई प्रकार से वर्गीकृत, जैसे वोल्टेज के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, लो वोल्टेज फ्यूज और दूसरा होता है हाई वोल्टेज फ्यूज, ठीक है। अब लो वोल्टेज फ्यूज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लो वोल्टेज फ्यूज में आपका रिवायरेबल आ जाता है, रिवायरेबल फ्यूज और HRC फ्यूज ETC, और हाई वोल्टेज फ्यूज में HRC भी आता है, उसके बाद कैटरीज टाइप आता है,